Hello, hi, and welcome back to the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. Next on our guest list is an actor who hails from a small town, but his aspirations are definitely big. So let's welcome Amit Verma online and get to know more about his life and his journey till now. I just hope that, you know, Amit has joined the chat. Well, I need to see that. I think... Hello, Ananya. How are you? I'm waiting for Amit Verma to join us. I think he hasn't got the notification yet. I just have to wait. There's no other option. Hello. Yes, he's there. So he'll be there with us soon. Yes, and I just hope. Yes. Hello. Hey. Hi. Hi. How are you? How are you? Sorry, yeah, this must be कुछ standing over here. पता नहीं आया नहीं कुछ ऐसा notification वगैरह शायद. I told you ना कि वो Insta जो है ना थोड़ा धीमी गति से you know वो notification देता है. We have to wait. We don't have any much choices, you know. तो हमें उस wait करना पड़ेगा. Finally we are here. हाँ, finally we are here. We can start the talk. And tell me, Amit. First of all, thank you so much, yeah. Really, thank you so much for inviting me in your show. I'm very happy. I'm feeling like celebrity, you know. And thank you so much and all the best, yeah. बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग. मैंने आपके पुराने episodes वगैरह भी देखे. काफी अच्छे थे और काफी अच्छा. You had that gravity in you, you know. काफी अच्छा कर रही हो. Thank you. Thank you so much. इस lockdown में कुछ अलग है, अलग देखने को मिल रहा है ना. एक्टर्स से मिलने का, जानने का, जो कि एक्टर हमेशा सोचता है, वो सारी चीजें. See this the best part about this show is that you know when you connect with the same genre, मतलब आप भी एक्टर हैं और दूसरा भी एक्टर, तो आप उनकी जो लाइफ की जो जर्नीज होती हैं, उनको जब सुनते हैं, तो आप कनेक्ट होते हैं, you know, you feel कि अरे ये तो हमारे साथ भी हुआ था, ये चीजें तो कुछ ऐसी थी जो हमने भी फेस करी थी. So these are the things, you know, and especially in this lockdown, जब ये सब बातें हम बातें एक दूसरे से करते हैं, तो पॉजिटिविटी आती है, यू नो, यू फील, यू गेट दैट मोटिवेशन. आपको लगता है कि नहीं, वी आल्सो फील वेरी हैप्पी. वी आल्सो फील वेरी हैप्पी कि लोग कुछ सोचते हैं और इंस्पायर होते हैं, और हमें अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो है जो हम दे रहे हैं, जो हम सोचते थे कभी हम दूसरों से जानते थे, सीखते थे, वो अब हम दूसरों को उनके जरिया बन रहे हैं उनका. ये काफी अच्छा है. एग्जैक्टली, बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप किसी से उनकी जर्नी के बारे में पता करते हैं, आप, क्योंकि आपको कई बार ऐसा लगता है आप ही की बहुत टफ जर्नी है, बट जब आप किसी और से बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि ज्यादा टफ है. सो सबकी अपनी अपनी है. जी, और आप तो आप यू नो बेसिकली यू आर इंस्पायर्ड, यू नो आप इंस्पायर होते हैं और आपको और ज्यादा आपके अंदर एनर्जी आती है कुछ अच्छा करने के लिए. वेल, थैंक यू सो मच कि ऐसा सोचा आपने भी. वैसे मैं तो अभी बहुत अंडरकवर रहता हूँ, ये फर्स्ट टाइम है मेरा ये इंटरव्यू वगैरह, ये पहली बार है, और मैं कभी सोचता नहीं कि यार अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं, अभी बहुत कुछ करना है, अभी कहाँ से इंटरव्यू वगैरह दूंगा, ये सारी चीजें थी. तो मैं बहुत सोचा, और इवन मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, मैं एडमिट करता हूँ. कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चैट है ये, हम जैसे आपस में दो लोग बात करते हैं, बिल्कुल वैसी बात है. सबसे पहली चीज तो जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि आपके बाल बढ़ गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये लॉकडाउन का असर है. अरे अब तक जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक नो हेयर कट तो चल रहा है, फिर मैंने कहा चलो लुक भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा मेरा. जी, वन ऑफ योर कलीग्स है श्वेता इज है, यू नो, एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड फॉर यू. या दैट यू नो, हाय श्वेता. या सो मुझे देख रही होगी. हाय श्वेता, गुड. अपूर्वा, हाय अपूर्वा, शी इज वेरी गुड गर्ल. हाँ, इसने क्या किया, मेरे अभी पुराने सारे फेसबुक के पुराने जो फोटोज थे उसने लाइक किए, जिससे सब कुछ रिकॉल हो गया. मैंने उसको थैंक यू बोला था पर्सनली. थैंक यू. ग्रेट ग्रेट. सो यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट योर हेयर इन द लॉकडाउन. नीलू, हाय नीलू. बड़ी फ्लोई हेयर्स हो गए हैं आपके, यू नो, एकदम जैसे सिल्की बाल बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे हो गए हैं. एंड आई एम श्योर आप शायद वापस. थैंक यू श्वेता, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट. शी इज ऑलवेज वेरी जेनरस, यू नो, शी ऑलवेज गिव द कॉम्प्लीमेंट कि आई एम लुकिंग प्रिटी, एंड दैट मोटिवेट्स मी मच कि यू नो आगे का शो भी बहुत अच्छा जाता है. सो टेल मी, like you know we were talking about this lockdown, तो ये जो lockdown है इसमें एक तो आपके बाल बड़े हो गए हैं, जो आपको बाल कटवाने की मतलब मिला नहीं है time, इसके अलावा आपने क्या-क्या किया? इसके अलावा यार सबसे पहले तो जो सब कर रहे हैं, और I think करना भी चाहिए कि यार पहले खुद को positive रखो और fit रखो,
ये मेरी एडवाइस भी है सबको यार कि ये बहुत जरूरी है। और जी इसमें खास ये हुआ कि मैं मेरा यूट्यूब चैनल है जी तो मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव सा करता रहता हूँ, कवर सॉन्ग वगैरह बनाता हूँ, वो चीजें करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे चांस मिलता नहीं है करने जी को इंडस्ट्री में। जी इंडस्ट्री में क्या है कि बाउंड हो जाता है कि नहीं ये करेगा ये करेगा, आप खुद से भी जी कुछ सोचते हो, तो मैं जी उस पर करता रहता हूँ। इसमें जी ये हुआ कि मैंने दो ट्रिब्यूट सॉन्ग बनाए, एक कोरोना वॉरियर्स को दिया ट्रिब्यूट मैंने और एक ओके इरफान सर और ऋषि सर को ट्रिब्यूट दिया। और इसकी खास ओके बात ये थी कि कोरोना वॉरियर्स को जो ट्रिब्यूट दिया था उसमें करीब 20 एक्टर्स थे हमारे, सारे नोन एक्टर्स थे और उन ओके सबने अपने अपने घरों में बैठ के शूट किया है उसे वीडियो को। और वो ओके सारा हम ओके मुझे व्हाट्सएप पे आया, फिर उसके थ्रू एडिटर को गया, और कोई मुंबई में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई आउट ऑफ कंट्री है, सबने। और वो काफी पॉपुलर हुआ था, वो न्यूज चैनल पे भी आया था। तो ये सारी कुछ बीइंग इन दिस क्रिएटिव फील्ड ना कुछ क्रिएटिव करते रहो तो ऐसा लगता है कि हाँ आपके अंदर स्पार्क है और चल रहा तो जो फील ये रहता है। आप जो आपका अभी आप अभी उस पूर्वा के लिए आपको वो मिल गया, कॉम्प्लीमेंट मिल गया कि शी लव्स योर यूट्यूब चैनल. सो टेल मी ये जो आपके अंदर का जो हुनर है इसको एडिट करना बनाना, तो क्या एक्टर के अलावा एक डायरेक्टर भी छुपा है आपके अंदर? यार मैं कह तो नहीं सकता बट हाँ एक चीज है, एडिटिंग जी वगैरह तो खैर अभी तो मैं ये जो दो प्रोजेक्ट थे ये तो मैंने अपने फ्रेंड्स थे मेरे काफी अच्छे उनके थ्रू एडिट कराया था प्रोफेशनल लेवल पे। बाकी उसके जी बाद के जो मैंने और भी कई सारे वीडियोस बनाए वो मैंने खुद एडिट किए, प्लस पोस्टर्स वगैरह जी मैं खुद करता हूँ। तो आई जी थिंक यार कि मतलब प्रोफेशनल लेवल पे तो नहीं बट है हेलो सिंधु. मेरे अंदर तो है, क्योंकि जब फीडबैक आने लगते हैं ना कि यार अच्छा सोचा तूने, अच्छा बनाया तूने, तब फील लगता है कि यार ओके यानी है। तो मैं ये मानता भी हूं ना कि यार आप ना क्रिएटिव फील्ड में हो ना तो आप बाउंड नहीं कर सकते। एक एक्टर जो है वो एक डांसर भी हो सकता है, वो सिंगर भी हो सकता है, और उसके अंदर कुछ राइटर भी हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है। वो तो चलो लोगों ने बांट दिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट कर दिए हैं तो ऐसा है, बट एक्चुअली सब कुछ कर सकता है अगर वो चीज है तो, ये मेरा मानना है। एंड यू नो तो ये बेसिक एग्जैक्टली एंड बेसिकली क्या है कि आपको पता होना चाहिए हर जो जो आपकी फील्ड है उस फील्ड से जुड़ी जुड़ी हुई जितनी भी जो छोटी जो दूसरी और सब्सिडरी फील्ड्स हैं उसका भी आपको पता होना चाहिए, राइट? हाँ सबका, ताकि आप ज्यादा अच्छा हो। अगर आपको एडिटिंग का नॉलेज है, आपको एंगल्स का नॉलेज है, तो आप अच्छा टेक ज्यादा टेक नहीं लोगे प्लस अपना बेस्ट दोगे, वो सारी चीजें होती हैं। आई थिंक करते रहना चाहिए और मैं वही कर रहा हूँ इस लॉकडाउन में। लॉकडाउन बहुत अच्छा गया, आपने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया टाइम, आपने हाँ क्रिएटिव अभी थिंकिंग सारी फैमिली के साथ भी हूँ, ये भी एक अच्छा है। और जी कुकिंग आपने वगैरह जो है मैं घर पे एक्चुअली वहां पे तो खुद के लिए करता था, कभी कभी यहाँ पे अब मैं फैमिली के लिए भी कर लेता हूँ तो ओ अच्छा वाओ लगता है। चलो ग्रेट ग्रेट क्वालिटी टाइम चलता है यहाँ या सो पे। इट्स एक्चुअली गुड. सो लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी. तो आप एज आई सेड दैट यू बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन, बट देन ऐसा आपके अंदर बिल्कुल भी ये नहीं था कि भाई यहीं रहना है, यहीं पे देख लेंगे कुछ काम काज. यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग बिग, और वो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? जर्नी कह सकते हैं कि इसे स्टार्टिंग में क्या हुआ, फील तो बहुत पहले से था। और मेरा मानना है कि ये जो क्रिएटिव फील्ड होता है ना इसमें इंसान कहते हैं ना कि जैसे बाकी फील्ड्स में क्या है, आप एक क्वालिफिकेशन लेते हो उसके बाद एंटर करते हो उसके बाद आप प्रिपेयर होते हो उसके लिए। मेरा मानना है क्रिएटिव फील्ड में ना वो चीज आपके अंदर पहले से होती है, इनहेंस होती है, बस उसको थोड़ा पॉलिशिंग हो जाती है प्लस आपको खुद को रियलाइज हो जाता है। तो मेरे लिए थोड़ा सा डबल स्ट्रगल इसलिए रहा क्योंकि पहले खुद को रियलाइज करना कि यार क्या है। तो 10th तक की तो लाइफ मेरी यहाँ अपने घर पे ही बीती, स्कूल से मतलब आना जाना, फिर वही नॉर्मल सी लाइफ, घर पे भी वही दुकान। और मेरी फैमिली ऐसी है कि जैसे आप बड़े हो गए और जी पढ़ाई लिखाई अगर कर लिया तो ठीक, वरना वही दुकान पे बैठो और 18, 19, 20 होते होते शादी बच्चे, ये सारी लाइफ है। ओ और मेरी फैमिली में ओके सब ओके लोग गाँव में ही है, इधर ही सब रचे बसे हैं, कोई बाहर नहीं है, तो अब मैं एक तरह से राइट कुएं का मेंढक था। तो सोचना भी जी मतलब, और ऊपर से इतना बड़ा ड्रीम, मतलब हमारी फैमिली से जी कोई पढ़ने के लिए ज्यादा दूर कहीं नहीं निकला आउट ऑफ स्टेशन, तो ऐसे में यार मैंने ये सोचा तो मैं छोड़ भी देता शायद, बट स्कूल टाइम में ये सारी चीजें की मैंने, फिर धीरे धीरे जी कॉन्फिडेंस आया, फिर लकली मेरे डैड को पता नहीं कहाँ से ख्याल आया, उन्होंने मुझे लखनऊ भेज दिया कि चलो आगे ओ पढ़ाई कर लो कुछ ग्रेजुएट। वहां से मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, फिर वहां जाने के बाद मैंने खुद के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया, फिर टाइम स्पेंड किया और रियलाइज किया यार कि मतलब कॉलेज तो जा रहा हूं और जी मेरा मानना है यार कि अगर आप सही रास्ते पे राइट 50 कदम चलोगे ना तो 70-80 के बराबर होगा, और गलत एग्जैक्टली रास्ते पे चलोगे आप कितनी भी मेहनत करोगे आप पीछे ही रहोगे।
मैं सोचता था यार पढ़ाई या कर रहा हूं मगर उस हिसाब से परसेंटेज नहीं आ रहे हैं, वो सारी चीजें नहीं हो रही, बट जैसे ही ऐसा कुछ क्रिएटिव सा करने को मिलता था ना तो ऑटोमेटिक वो एनर्जी आती थी मेरे अंदर। तो मैंने सोचा यार कि यार कॉलेज तो चल ओके रहा है मगर कुछ करना चाहिए, तो वहां पे एक रेडियो सिटी का वर्कशॉप हुआ था, डांस वर्कशॉप, वो मैंने ज्वाइन किया जी और वहां पे करीब जी 50-60 बच्चे थे, उन सबके साथ परफॉर्म किया, तो एक थोड़ा स्टेज फियर ओके गया। उसके बाद मैंने डांस ओके इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहां पे एक ओके महीने एज ए स्टूडेंट रहा था मैं, और उसके बाद मैं ट्रेनर बना दिया गया। तो वहां से ओ मेरी डांस स्किल्स और वो सारी चीजें सो यू पॉलिश आर अ हुई, डांसर फिर ऑल्सो, आप मतलब ये सब करने के अलावा यू आर अ डांसर ऑल्सो, दैट्स नाइस. यस तो पहले कहाँ पहले से, एक्चुअली मैं वही हूँ, पहले वही मैं है? वही था एक्चुअली, ओके पहला स्टार्टिंग मेरी वहीं से हुई है, डांस ओके वगैरह से ही। या और ओके उसके बाद फिर काफी टाइम देने के बाद डांस में, फिर उसके बाद ये आया, मैंने सोचा कुछ और करते हैं, तब पता चला थिएटर कुछ होता है, पहले ये भी कुछ नहीं पता था थिएटर क्या होता है। और जी एक्टिंग तो मुझे लगा कि यार थोड़ी बहुत मिमिक्री कर लेते हो, एक्टिंग कर लेते राइट हो, तो यही होता है राइट एक्टिंग, और क्या। बट फिर मैंने कहा नहीं कुछ और होना चाहिए, तो फिर मैंने थिएटर वहां लखनऊ में BNA है वहां ओके पे एडमिशन लेने का ट्राई किया, मगर हुआ नहीं उसमें, क्योंकि उसमें काफी सारे फॉर्मेलिटीज चाहिए होते हैं, आपको जी जी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जी बट जी लकली उनके जो दूसरे जो फैकल्टीज हैं उनके वर्कशॉप को मैंने ज्वाइन किया, तब जाके मुझे पता चला कि यार ये मतलब हलवा नहीं है एक्टिंग। जी इट्स जब मैंने नॉट लाइक थिएटर देखा, दैट. शोज देखे, मैंने कहा यार लोग मतलब पागल हो जाते हैं बिल्कुल देख के, और ये सारी चीजें जो होती हैं। तो फिर भी मैंने क्विट नहीं किया और मैंने बिल्कुल उसको ईमानदारी से स्टडी की, पढ़ाई की उसकी, वर्कशॉप के दौरान जो भी चीजें थी, टीचर से काफी तारीफ मिली। फिर उसके बाद हुआ कि मेरे डैड ने बोला कि बस क्या MBA ग्रेजुएट हो गया, अब क्या MBA करना है कि या चल तो फिर दुकान पे बैठ। तब जाके मैंने फिल्म में स्टेप लिया, मैंने बिना पूछे बताए टिकट करा लिया मुंबई का, मैंने कहा वहीं जाऊंगा अब जो होगा। शाहरुख भी गए थे, उस समय जोश भी अलग होता है, तो फिर तो बिना बताए मैंने टिकट करा लिया। और उसके बाद पापा को 2 दिन पहले पता चला कि यार ये तो कहाँ टिकट कहाँ से क्या मतलब, तो बोल रहे कि चलो ठीक है जो भी है। तो गया पापा ड्रॉप करने के, बोले क्या करेगा वहां जाके, कहाँ जी जाएगा, कौन हाँ, करेगा। कहाँ मैंने कहा हो जाएगा? जाएगा हो जाएगा सब हो अच्छा, जाएगा। के ओह बाद ओके या जाने के बाद जो मुझे जो जो झेला है मैंने वहां पे जाके, जितने पापड़ बेले, और पहले लगता था कि सिर्फ हम ही हम हैं, बट वहां जाने के बाद जब पता चलता कि आपसे अच्छे खासे सब ऐसे घूम रहे हैं इधर उधर सब, एग्जैक्टली. मैंने कहा अरे यार बॉम्बे ये क्या बॉम्बे इसीलिए नहीं, बॉम्बे को सपनों की नगरी बोलते हैं, क्योंकि वहां सपनों पे की आई नगरी थिंक बोलते अगर हैं। और कोई भी, अगर वहां के कोई जो बॉम्बे में आता है, आई थिंक 100 out of, जिसे बोलते हैं ना, मतलब 90 out of 100 जो होते हैं वो इसीलिए आते हैं, एक्टिंग के लिए ही आते हैं. एंड यू नो इट एग्जैक्टली इज नॉट इजी. जैसे कि आपने वर्ड यूज किया हलवा, तो हलवा तो डेफिनेटली नहीं है. और इट यू नो टेक्स लॉट ऑफ ग्रेट करेज एंड यू नो बहुत हार्ड वर्क चाहिए वहां पे. एक तो आपको वहां पे एक वॉक करना पड़ेगा. नॉट फिट वर्ड बहुत पॉपुलर है जी वहां जी पे, नॉट नॉट फिट. एग्जैक्टली, वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दैट फिट। ओनली कभी भी इन द लास्ट इंटरव्यू. कभी भी कोई रिक्वायरमेंट्स आती थी, पहले तो पता चलना बहुत मुश्किल होता था यार कि रिक्वायरमेंट क्या है जैसे, और पता चल जाने के बाद ऐसा लगता था कि मैं ही हूँ, सीधे दरवाजा ऐसे खोलता था ऐसा हमारा इवेट हो रहा है, परफेक्ट. सीधे हाँ नॉट फिट नॉट फिट। मैंने कहा अरे अरे नॉट भाई मतलब कैसे। तो ये सारी चीजें थी, तो यार राइट. वो उसके बाद क्योंकि स्ट्रगल चलता रहा। क्योंकि ऑडिशंस का ऐसा है, आप इतने दूर जाते हैं ऑडिशन देने के लिए, बड़ा तैयार होके जाते हैं, जो उसमें डिमांड होती है, एंड द मोमेंट यू एंटर दे से ओ यू आर नॉट फिट, एंड देन यू फील लाइक अरे हम पहले क्यों नहीं बताया, हम इतनी दूर आते ही नहीं. सो यू नो दैट दैट इज द सेम फीलिंग दैट वी ऑल गो थ्रू. एंड कहीं ना हर कहीं कोई है। यू नो या सो वहां से आप बॉम्बे बॉम्बे आए, तो बॉम्बे में आपको कौन सा फर्स्ट ब्रेक मिला? में ब्रेक कुछ नहीं था, मैं बस गया। उसके बाद धीरे धीरे मेरे आंखों के पर्दे सब जो भी थे सब खुलने शुरू हुए कि भैया तू ही नहीं है, तेरे जैसे बहुत है। तो ये अच्छी चीज ये थी यार कि जी आप, मैं पॉजिटिव रहा, कॉन्फिडेंट रहा, घर से प्रेशर था राइट मगर उसको साइड में रख के मैंने उसको पॉजिटिव लिया यार कि घर से प्रेशर है कोई बात, उस प्रेशर को ही मैं अपने पॉजिटिव वे में लूंगा और हिम्मत नहीं हारूंगा। स्टार्टिंग मेरी ब्रेक वगैरह कह लो आप, बहुत छोटे छोटे रोल से हुए, और ऐसे रोल जो मैंने कभी सोचे नहीं थे जो मुझे कभी मिलेंगे, वॉचमैन, जैसे प्यून, ओ जितने गए ओ गुजरे जो कैरेक्टर्स होते थे ना जो कि मैं कभी या सोचते वही मिलते थे, और प्लस राइट मजे की बात डायलॉग भी नहीं होते थे, बट मेरा कॉन्फिडेंस ओके था कि मैं उसे भी बहुत शिद्दत से निभाता था। मैंने कहा यार फिर समझ में आया कि यार स्टार 2 चीजें होती है, एक स्टार और एक आर्टिस्ट, ठीक है। स्टार यार फिर एक अलग उसमें आ जाता है ना, आर्टिस्ट है ना, तो आपको सिर्फ एक लुक देने का ही मौका मिलेगा ना, उसको भी आप इतनी शिद्दत से करोगे कि यार वो राइट चीज नोटिस हो जाती है। तो मैंने वही चीज राइट जिंदा रखी अपने, और थिएटर में रहने की वजह से ये सब चीजें मैंने सीखी, और इवन और सीखना था, एग्जैक्टली मैं परफेक्ट नहीं कहूंगा अपने आप को,
मैं कहूंगा यार, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, सीखता रहता हूँ, और जो भी है बस करता रहता हूँ। वही है कि आज मैं यहाँ तक है ना, आपके साथ बैठा हूँ और इस लायक बिल्कुल हूँ कि मैं सही, इंटरव्यू दे रहा हूँ। बिल्कुल सही। और जितने भी आपके फैंस इसमें हमारे चैट में जुड़े हुए हैं, वो दे वांट यू टू से हाय टू देम, तो जस्ट एक 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, आप हाय बोल दीजिए सबको और उसके यस बाद हम हाय, कंटिन्यू करें। जी, तो अरे लाइक यू थैंक यू सो नो मच श्वेता या तो श्वेता हैज बीन सीखने एक्चुअली वो कॉन्स्टेंटली ये आपको बताने की कोशिश कर रही है कि यू आर वेरी गुड इन मेंटरिंग, सो यू शुड स्टार्ट योर ओन एक्टिंग एकेडमी। के। हाँ अरे बाप रे पता नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कोशिश यही करता हूँ यार कि मैं जो स्मॉल टाउन बॉय हूं, तो जो मेरे अंदर सच्चाई है ना वो जिंदा रहे, क्योंकि मुंबई में जाने के बाद काफी लोग ये चीज खो देते हैं, भूल जाते हैं। क्योंकि वो तेज होना पड़ता है, आपको कैमरे के पीछे भी एक्टिंग करनी पड़ती है, आपको जिनसे बात करने का मन नहीं है उनसे भी मतलब बात बात करना करनी पड़ता है, पड़ती है। सर प्लीज कुछ बताइए ना सर कुछ, तो वो फिर कहीं ना कहीं फेकिज्म आ जाती है। बट व्हाट आई फील करियो लाइक यू नो बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इज दैट आपकी जड़ें जो होती है ना बहुत स्ट्रांग होती है, योर रूट्स आर वेरी स्ट्रांग। सो वो जो रूट्स या होती है ना वो बहुत, मतलब जितने भी स्मॉल टाउन के लोग होते हैं वो उस रूट को अगर ना भूलें तो वो कभी भी कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है। लाइक यू नो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पेशेंस, यू नो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट परसिवरेंस, यू नो हार्डवर्क, तो ये सब जितना जो एग्जैक्टली है ये वी ऑल यू नो कहीं ना कहीं जो स्मॉल टाउन के जो लोग होते हैं उनको उनके अंदर ये डेडिकेशन होती है। एंड इट इज अ गुड थिंग दैट यू नो यू हैव, मतलब आपने इतना जो अपनी लाइफ में इतना आपने आगे बढ़े और इतनी आपने मुश्किलें देखी फिर भी आपने हार नहीं मानी। सो फ्रॉम देयर लाइक यू नो यू यूज्ड टू गॉट स्मॉल रोल्स, और फिर आप कहाँ से, आपको आपने मूवी में भी काम किया है, सो हाउ यू गॉट दैट मूवी? मूवी एक्चुअली अब धीरे धीरे करने के बाद काफी कुछ नॉलेज हो गया था, धीरे धीरे करने के बाद वो होता है कि यार कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वरना पहले तो सिर्फ पता चलना ही बिल्कुल पागल सा हो गया था मैं। वहां जाने के बाद कोई भी एक कैसेट की कंपनी वाला बंदा था, उसने एक टी शर्ट पे फिल्म का नाम पहना था, मैं उसके पास, सर मैं एक्चुअली वो यहाँ से आया हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो बोला यार मैं तो कैसेट का दुकान है मेरा, मैं इधर मालूम नहीं मेरे को क्या है, इधर एक्टर बनना है, देख उधर जाके बम अंधेरी में होता है, ऐसा कुछ ऐसे था, तो वो चीज मैं हमेशा ढूंढता हूँ भाई ये देखा, फिर कहीं कोई बात कर रहा है, अबे हीरोइन डायलॉग बोल गई यार मेरे को मालूम नहीं था, या डायरेक्टर मेरे भड़क रहा है, तुरंत मैं पहुंच गया, सर एक्चुअली आप एक्टर हैं? नहीं बोलना, मैंने सर मैं एक्टर हूँ मुझे बनना है, क्या करूँ मैं कुछ, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था ना, तो बहुत मैंने कहा था ना राइट लोग राइट जीरो से राइट स्टार्ट करते हैं, मैंने माइनस से स्टार्ट किया, तो ये सारी माइनस से चीजें थी, स्टार्ट किया। तो वही सो था। तो उसके बाद जो फिल्म मिली मुझे ऑडिशन के थ्रू, पता चला मुझे, मैंने ऑडिशन दिया लकीली, और काफी नए थे, कुछ नोन एक्टर्स थे उसमें, बट एक नया प्रोडक्शन था वो, तो उसके थ्रू मुझे वो फिल्म मिली, और एक मेरे कुछ सीनियर एक्टर हैं उन्होंने काफी सपोर्ट किया मुझे उनकी हेल्प से, कि वो भी चलो सो हाउ अपने वाज द उधर साइड। एक्सपीरियंस, कैसा था यू नो डूइंग स्मॉल रोल्स लाइक वॉचमैन, प्यून, और एकदम से आप फिल्म में काम कर रहे थे, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? यार बहुत अच्छा था, बहुत खुशी हो रही थी मुझे उसमें भी, मैंने कहा यार कि चलो बहुत मतलब उसमें मैं पार्ट हूं उस फिल्म में, बहुत अच्छा नहीं बट हाँ हूं मैं, एक मेन पार्ट है मेरा, बट और चाहत होती है, तो काफी खुशी थी उस चीज की। बस एक और चीज काफी कुछ सीखा कि यार वो फिल्म बहुत, हाँ सॉरी, बिगनिंग हम्बल से ही होती है, बिगनिंग छोटी जगह से ही होती है, लेकिन एंड देन वो हाँ जो एग्जैक्टली, सो वो फिल्म को भी बनने में 2015 में वो शूट हुई थी, और जब रिलीज हुई तो उसको आते आते 2019 में रिलीज हुई वो जाके, तो एक तरह से ओ वो भी फील आ ओके गया ना, फिर एक टाइम के बाद क्या हुआ ना, इतने जी अप्स एंड डाउन देख लिए ना, जी अब एक्साइटमेंट लेवल नहीं है, अब वो मैच्योरिटी राइट लेवल आ गई है यार, अब ठीक है, अब राइट कुछ मिलेगा तो भी, नहीं मिलेगा तो भी, आई एम एंजॉय माई जर्नी, मुझे वहां राइट ऑफ पहुंचने की भी कोर्स जल्दी नहीं है कि मुझे जल्दी से पहुंचना है या कुछ भी, अब मैं बस जो जर्नी है ना उसे एंजॉय कर रहा हूँ यार, जो भी या है दैट्स वेरी मजा, और वही होना दैट्स भी वेरी चाहिए आई ट्रू थिंक ना, वरना वही होना भी चाहिए, आई थिंक परफेक्ट फ्रस्ट्रेशन लेवल से दूर, मतलब आपको बहुत चीजें होता है ना एंजॉय करना चाहिए, भाग के जी पहुंच गए और फिर आप पुरानी चीजें मिस करते हो, ये सारी चीजें, जी और मेरा कहना स्टेप्स होते हैं, 1 से लेके 100 तक अगर जी सीढ़ियां हैं और आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते टाइनी हो स्प्रिंट और अचानक से आप ऊपर से नीचे भी आते हो, तो आपको एक्सपीरियंस रहता है कि अरे यहाँ तो मैं आ चुका हूँ, कोई बात नहीं, वो तो क्या कर लेंगे फिर आगे वापस कर लेंगे, ये चीज होनी चाहिए हर इंसान के अंदर ना, होनी स्टेप बाय चाहिए स्टेप या चलने, वेरी जल्दीबाजी नहीं इम्पोर्टेंट। होनी और चाहिए, ये पेशेंस होना चाहिए। और स्पेशली इन एक्टर्स लाइक यू नो एक्टिंग इज आल्सो अ प्रोफेशन, कि आप उसमें बहुत श्योर शॉट नहीं हो सकते, आज आपको काम है कल नहीं है, बट यू शुड ऑलवेज यू एग्जैक्टली नो बी या यू शुड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, एंड यू नो जैसे आपने बोला कि हमेशा करते रहे, जर्नी के ऊपर फोकस करना चाहिए,
विच इज मोर इम्पोर्टेंट, आपको सीख उसे एंजॉय करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए. एग्जैक्टली. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, लेट्स गो बैक टू योर चाइल्डहुड, और यू नो बचपन की कुछ यादें ताजा करते हैं. बताइए कैसे आप, यू नो हाउ वर यू एज अ चाइल्ड, यू नो बचपन में कैसे थे आप? शरारती? मैं बहुत, नहीं नहीं शरारती नहीं था मैं बहुत शांत हूँ. अभी भी बहुत कूल हूँ, मैं बहुत कूल रहता हूँ, और बचपन में भी बहुत शांत था. बस ये था कि बट मेरे को, मुझे ये मानना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि आपने बचपन में कोई शरारती नहीं करी. तो कोई शरारती ऐसी बचपन की यादें तो होंगी कि आपको याद? नहीं, नहीं? यादें हैं, यादें काफी सारी हैं. शरारते नहीं है, बस ये है कि वो दरवाजा बंद करके जो म्यूजिक सुनते ही जो अंदर से वो एक्साइटमेंट होती थी, तो दरवाजा बंद करके वो निकलता था. फिर एक्टर्स जो मिमिक्री वगैरह भी होता था, जो भी देखा फिर दोस्तों को करके दिखा था, क्या टेगा लाइक दैट, ये सब चीज. अरे अबे तू तो सही वैसे ही कर रहा है, अरे वैसे ही कर रहा है, तो फिर लगता था यार चलो कुछ है. तो एक मोमेंट है जो मुझे, मैं शेयर करना चाहूंगा. फैमिली के साथ था, तो मेरे पिताजी देखते थे यार ये इतना स्लो है, कूल है, ये सारी चीजें, तो हमेशा वो बोलते थे, मम्मी के साथ डांटते थे, मतलब क्या कर रहा है, थोड़ा जल्दीबाजी, मतलब कुछ एक्टिव दिखा ना, आराम से खाता है, वो करता कछुए की तरह चलता है, ये करता, पापा इधर चिल्ला रहे हैं, इधर ऐसे ऊपर ऊपर उनको जा रहे हैं, किया क्या करता इतना कछुए की तरह, ये मम्मी सुन रही है सुन रही है. और मम्मी ने बोला जीता तो कछुआ ही था ना, बस अब मुझे छोड़ के पापा मम्मी पे चिल्ला गया, बिगाड़ो तुम बिगाड़ो इसे, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, हो रहा है, तो वो सारी चीज. ये मुझे अच्छा याद आया. अभी अभी हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आप तलवारबाजी भी करते थे और बचपन में, और आप मिमिक्री भी करते थे. तो हमें लालू जी की मिमिक्री सुननी है और आपकी तलवारबाजी के बारे में जानना है. अरे बाप रे, तलवारबाजी तो एक्चुअली वो थिएटर के दौरान में ही जो था ना, जो हमारे टीचर थे, अभी वो नहीं है, वो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट यार. कुछ अब जो मेरे लाइफ में कुछ अच्छे पॉइंट्स आए, तो मेरे कुछ इंपॉर्टेंट जो थे, जो मेरे अच्छे मेंटोर थे, वो नहीं है एक्चुअली. बट ठीक है, तो उनके थ्रू एक्चुअली सर थे, उनके तलवार वगैरह वो चलाना, वो बीच बीच में वर्कशॉप कराते थे, 10 दिन का कोई तलवार सिखाते, थिएटर में सारी चीजें होती हैं, तो जी. वो मैंने सीखे तलवार वगैरह. तो वी वांट टू हियर मिमिक्री फ्रॉम यू. आपकी किसी फैन या आपकी फैमिली में से किसी ने बताया कि आप लालू जी की बहुत अच्छी करते थे, तो वो बताइए. और श्वेता इज टेलिंग मी दैट यू नो, बहुत पहले छूट चुका है पता नहीं. और श्वेता इज टेलिंग मी दैट यू नो यू एक्चुअली कैन टेक द फीमेल वॉइस भी, आप बहुत अच्छी निकालते हैं. प्लीज यार, अभी तो कह, आई एम नॉट श्योर कि वैसा निकलेगा, बट फिर भी ट्राई करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, आप ट्राई करें. एक जोक के थ्रू सुनाता हूं मैं, कि एक बार ट्रंप जो है, ट्रंप बोले कि मैं, मुझे भी ना हिंदी सीखना है, और मतलब वो नहीं, सॉरी, लालू जी ने कहा कि मुझे इंग्लिश सीखना है, तो क्या किया जाए जी? तो लालू जी ने कहा कि अरे भैया हमको अंग्रेजी सीखना है, तो क्या किया जाए? तो बोले कि आप ट्रंप के साथ रहिए, कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, और उसके बाद सीख लेंगे. वाह वाह वाह, हमको बोला था, ठीक है चलो करता. तो ट्रंप और दोनों काफी एक साथ बंद करके काफी टाइम उन लोगों ने स्पेंड किया, ये सारी चीजें हुई, एक घंटे करीब, पूरे 24 घंटे तक बंद रहे वो लोग, और उसके बाद निकले, सब लोग वेट कर रहे हैं, क्या हुआ लालू जी अंग्रेजी सीखा आपने? बाघ बोर बाघ, हम अंग्रेजी कहां से सीखूंगा, पागल है वो. फिर वो ट्रंप निकला, तो उसके बाद ट्रंप निकले तो बोले सर क्या हुआ? तो उनके पूरे टाई वगैरह सर पे बांध रखा उन्होंने, जैकेट वगैरह सब फेंक रखा है, बोलते हैं ललुआ अंग्रेजी ना सीखी कबो. समझ में आया? एक्चुअली ट्रंप ने भोजपुरी सीख लिया, मगर उन्होंने इंग्लिश नहीं सीखी. तो ये था, जहां तक मुझे याद है, क्लिंटन के उस पे सुना था, बट आप ट्रंप पे ले आए, तो भी बट उसके साथ आपने भी डाला, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी आपकी क्रिएटिविटी वहां से निकल, ऐसा ही कुछ. और अब क्योंकि ट्रंप है, तो डेफिनेटली वो ट्रंप ही सूट करता है इस पे. तो ये लालू जी तो हमेशा रहेंगे, यू नो ही विल बी वन ऑफ द, जिसे बोलते हैं मिमिक्री के लिए सबसे बेस्ट है, आई थिंक, यू नो ही इज वन ऑफ दैट. सो अब फीमेल वॉइस, वी नाउ वांट टू हियर फीमेल वॉइस. फीमेल यार, हाँ फीमेल क्या है वो पता नहीं, आई थिंक फेस देख के आप वो उस तरीके से, हालांकि लालू की भी बहुत परफेक्ट नहीं निकली, क्योंकि मैं एक्चुअली ना एक टाइम के बाद छोड़ चुका था ये सारी चीजें ना, कि यार मुझे पहचान बनानी है, तो मैं कॉपी करके नहीं करूंगा, तो उतनी परफेक्ट नहीं होती थी. बट तो अभी पता नहीं, फिलहाल ये मैं फोन पे एक्चुअली बेवकूफ बनाया करता था लड़कियों की आवाज में, पता नहीं सामने से क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं, फिर भी ट्राई करता हूँ मैं.
हेलो, यस। अच्छा, ओ गॉड, पता है तुम्हें तुम क्या बोल रहे हो मुझे? हाँ, ठीक है। अच्छा, गैस करो मैंने अभी क्या पहना है। पागल हो क्या? ओ गॉड, रखो बात। मैंने कहा ना, वो एक्चुअली फोन पे जब सिर्फ आवाज सुनोगे ना तो एक्चुअली होता है वेरी वो। वेरी अरे गुड, दिस इज वेरी गुड। मतलब अगर वैसे उसमें सुना जाए मैंने तो कितने कुछ रिचार्ज ज्यादा करवाए हैं लोगों से, कितने रिचार्ज कराए और कितने दिल तोड़े हैं मैंने व्हाट आर यू पहले कॉलेज सेइंग, डेज में जब था। सीरियसली आप ऐसे बोल के रिचार्ज करवा देते हैं? मैंने तो सिर्फ स्टोरी सुनी ही है कि ऐसे फीमेल बोल के रिचार्ज कराती है, बट यू नो आई थिंक आपने तो उसका एक स्टेप अलग, मतलब आपने खुद हाँ, डॉक्टर बन के क्योंकि रिचार्ज कराए हैं। वही, क्योंकि था ना कि वो पहले जो था वो इंटरनेट वगैरह था नहीं ज्यादा जी कॉलेज जी डेज में, जी मैं और बता रहा उस हूँ टाइम पे इसलिए था पॉकेट मनी जो होती थी वो बहुत बहुत ही ज्यादा कम। फेमस और होती थी। हाँ कम तो होती थी रिलायंस वगैरह थे तो वो जी, रात में नाइट तो फ्री होते थे, तो मोस्टली रात में सब आशिक सब मिलते थे, जिनको जो मिल जाए शुरू भैया जी, चलो, तो चलता था ऐसे ही। तो जब हम मस्ती की बात कर रहे थे, आपने बोला मैंने तो कोई मस्ती नहीं करी, तो यही मस्तियां होती हैं जो आपने करी हैं, और यू नो आप पकड़े गए। यू सेड वो यू आर वेरी क्रिएटिव वाली मस्ती इनोसेंट, थी या मैंने यू कहा। आर वेरी इनोसेंट, बट देन यू नो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई ऐसी मस्ती करी थी, या आपने अपना हुनर दिखा के आपने जो कमाल किया है। यू नो आई विश कि ऐसे बेचारा कई दिनों तक वो सो नहीं पाया था, बहुत सदमे में था वो, बार बार कॉल करता था ये सोच के कि यार अब तो यार लड़की मतलब, बात कर वो रही मैंने है, ओ उसको ये माय बोल गॉड, के बता रहा कॉलेज के फ्रेंड है हम दोनों, तो उसको लगा कि इन दोनों की एक्चुअली वो दोनों हैं, तो इन दोनों की बात चल रही है एक्चुअली, या तो हाँ उसको फोन हाँ करके रियलाइज करता अब तो उससे दूर चला गया होगा, अब तो वो अपना फोन उठाएगी, वो अपना नंबर उठाएगी, ऐसे जी चलता था। जी तो ग्रेट। वही है। तो प्रिंस जी, ये मेरा टॉक शो है, तो मैं यहाँ पे अमित जी की जो टैलेंट है वो उसकी बात करूंगी, मेरी टैलेंट की बात नहीं। मेरी टैलेंट तो अगर मैं जो जो ये इसको होस्ट कर रही हूँ, शायद यही मेरा टैलेंट है, तो मैं अभी यहाँ पे उनके टैलेंट की बात करूंगी। जब मेरे मेरी बारी आएगी तब मैं उसको दिखाऊंगी। सो लेट्स मूव ऑन, यार यू आर एंड यू वेरी मच नो एक्सपर्ट यार, ये सब कैसी पढ़ ले रही हो पता है, मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा उस पे, मैं कैसे सब पढ़ ले रही हूँ, मैं आप ना बहुत लेट लेट से देख पा, ना, तुमने इट्स पढ़ा ओके, ना इट्स अभी माय तब। जॉब, इट इज ओके, इट्स माय जॉब, आपको सिर्फ जवाब देना है उसका, दैट्स इट। सो टेल मी, लाइक यू नो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, एंड यू नो आई क्या वांट टू से टॉपिक्स सॉरी लेना अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी मैं है। एक्चुअली इस तरीके नो के वरीज, लैब्स नो वरीज, आई लाइव एम चैट देयर, वगैरह सब। आई एम कीपिंग एन आई ऑन ऑल योर चलो मैसेजेस। सो आप ये बताइए कि आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, सॉरी, फ्यूचर प्लान्स, लाइक यू नो व्हाट यू आर प्लानिंग फॉर, लाइक आप लॉकडाउन के बाद आपके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होंगे? लॉकडाउन के बाद एक्चुअली मेरा एक बहुत बड़ा वेब सीरीज की है मैंने अभी, मैं सोच अनाउंसमेंट तो उनकी तरफ से हो चुका है, बट मैं एक अलग ओके थॉट लेके चलता हूँ, तो मैं ओके सोचता हूँ कि मैं अपनी तरफ से उसको लेट जब होगा, जब वो एक्चुअली आ जाएगा और मुझे लगेगा कि हाँ चलो रिवील करते हैं तब ओके करूंगा। तो बस ओके यही है, न्यूज की एक बड़ा वेब सीरीज है वो आने वाली है, और एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जो कि मेरे फेवरेट भी हैं वाह, और उनके साथ है, और वो कंप्लीट हो चुकी है। आई एम वेरी हैप्पी कि चलो लॉकडाउन से पहले वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो प्रोसेस में है और आई थिंक मे राइट, बी नवंबर या दिसंबर तक आई थिंक आ जानी चाहिए वो, वाह, तो आई विश अमेजिंग, कि उसके बाद से कुछ यस, और ट्विस्ट आए लाइफ में, देखते हैं। तो डेफिनेटली ट्विस्ट भी फिंगर आएंगे, अप्स भी आएंगे, ये सब आने हैं, क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स आर पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज जर्नी। सो एनी शॉर्ट मैसेज दैट यू वांट टू गिव ऑल योर फैंस एंड फॉलोअर्स, कुछ बोलना चाहेंगे आप उनको? पहले तो सबसे पहले यार ये जो पीरियड चल रहा है हमारा, तो ये पूरी लाइफ एक तरह से फिल्म बन चुकी है, तो सब लोग राइट अपना अपना राइट रोल प्ले कर रहे हैं, तो बस यही कहूंगा यार कि सब फिट रहो, अपना ख्याल रखो आप लोग, जी और जी बेसिकली जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं आई थिंक, अगर मेनली आई थिंक क्रिएटिव ये सब चीजें एक्टर्स लोग ज्यादा देखते हैं ना, और जो राइट फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए, तो मैं राइट यही कहूंगा कि थोड़ा सा ना सेल्फ एनालिसिस कर लो, या क्योंकि मैं जो है ना कई कई दिन खिचड़ी खा खा के रहना पड़ता है, फिर पार्ले जी खा के रहना पड़ता है, ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं, तो मेंटली आप प्रिपेयर रहो कि यार ये सब तो कुछ नहीं होगा, मतलब ये सब राइट चीजें तो हट जाएंगी टाइम के बाद, बट आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए, तो सेल्फ वो कर लो, एनालिसिस कर लो कि हाँ कर सकते हैं और है, तो थोड़ा सा ना पॉलिश भी कर लो, थोड़ा सा कर लो, बाकी तो सीखना तो पूरी जिंदगी है, बट एटलीस्ट ये कि यार वहां जाने के बाद आप कुछ कर पाओ, परफॉर्म कर पाओ, ये जी, सारी यू चीजें, तो शुड बी ये करते प्रिपेयर्ड, रहना चाहिए, एग्जैक्टली, यू शुड प्रिपेयर बी होना प्रिपेयर्ड चाहिए आपको, फॉर प्रिपेयर रहना एग्जैक्टली। चाहिए, जी, आई ये एग्री सारी विद चीजें। यू, एंड यू नो ऑन दैट नोट, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, जो आपकी वेब सीरीज आने वाली है। वी विश दैट यू नो इट शुड बी अ सुपर सक्सेस, एंड वी वांट टू सी मोर ऑफ यू, एंड यू नो आपकी जितनी भी अंदर की कला है
वो निखर के बाहर आनी चाहिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड कमिंग ऑनलाइन विद अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. रियली थैंक यू. Yeah. So hope that, you know, we see you soon in all the big projects, and hope that we meet also soon, you know, sometime later. Yeah, very soon. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Bye-bye. Have a nice day. Bye-bye.